बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स और गॉसिप्स के साथ मैं कीर्ति एक बार फिर से हाजिर हूँ। 15 मई यानी कि ईद के दिन पर रिलीज होने वाली सलमान खान की फिल्म रेस 3 की स्पेशल स्क्रीनिंग देखने पत्नी संग पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी ने अपनी ओर आकर्षित किया तो वो थे पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। धोनी अपनी पत्नी साक्षी संग रेस 3 की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे थे। रेस 3 को लेकर सलमान खान के फैंस में कमाल की दीवानगी नजर आ रही है। दरअसल कई वर्षों से लगातार ईद के मौके पर सलमान एक बड़ी फिल्म लेकर के आते हैं, इसलिए रेस 3 को लेकर ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। रेस 3 की स्पेशल स्क्रीनिंग पर सलमान खान अपने चिरपरिचित अंदाज में पहुंचे और उनकी तस्वीरें काफी टशन के साथ नजर आ रही हैं। इस स्क्रीनिंग की खास बात ये थी कि क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ पहुंचे थे और दोनों बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे थे। धोनी सलमान खान के खास दोस्तों में गिने जाते हैं और कई बार ये दोनों सितारे साथ भी नजर आए हैं। बता दें कि रविवार को माही साक्षी को लेकर के सलमान खान के घर भी पहुंचे थे। आपको याद होगा कि जब सलमान खान की फिल्म सुल्तान रिलीज हुई थी तब भी सलमान खान से मिलने महेंद्र सिंह धोनी उनके घर पहुंचे थे। हाल ही में 10 कदम के सेट पर भी सलमान ने धोनी की जमकर तारीफ की और ये भी बताया कि उनके पिता सलीम खान भी इस महान क्रिकेटर के मुरीदों में शामिल हैं। रेस 3 की स्पेशल स्क्रीनिंग की बात करें तो इस मौके पर कई सेलिब्रिटीज और कई डायरेक्टर्स भी पहुंचे थे जिसमें डेविड धवन भी शामिल थे। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने आने वाली फिल्म गोल्ड का पोस्टर रिलीज किया। इस फिल्म में अक्षय कुमार हॉकी प्लेयर सरदार बलबीर सिंह की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म का पोस्टर जारी कर दिया गया है जिसमें अक्षय कुमार का फर्स्ट लुक भी नजर आ गया है। पोस्टर की बात करें तो हाथों में तिरंगा लिए और कोट पहने अक्षय कुमार का ये पोस्टर काफी ज्यादा प्रभावी लग रहा है और ये फिल्म 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म की शूटिंग पंजाब और लंदन में पूरी हुई है। बलबीर सिंह उस दौर के खिलाड़ी थे जब हॉकी टर्फ की बजाय घास के मैदान में खेला जाता था। बलबीर सिंह ने 1948, 1952 और 1956 की ओलंपिक टीमों में शामिल थे और इसी समय उन्होंने भारत के लिए गोल्ड भी जीता था। फिल्म को रियल दिखाने के लिए शूटिंग उन मैदानों में की गई है जहाँ घास लगी है, इस वजह से शूटिंग में भी देरी हुई थी। बॉलीवुड की ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे पंचायती टाइम्स।